दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए यमुना स्वच्छता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी कंचन गिरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर गुना पहुंची, जहां उन्होंने यमुना स्वच्छता मिशन मध्य प्रदेश के बढ़ाते हुए गुना शहर की अंशु रघुवंशी को यमुना सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। यमुना स्वच्छता मिशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी कंचन गिरी ने यमुना स्वच्छता बनाने के लिए सन 2000 से अभियान चला रखा है, जिसमें अभी तक उन्होंने यमुना नदी किनारे मंदिरों से निकलने वाले मटेरियल और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए यमुना नदी में सामान को यमुना नदी में न छोड़ने की बजाय किनारे घाट पर ही डस्टबिनों को लगाया गया है, जिससे इन सामग्रियों का विसर्जन किया जा सके। लगाए गए डस्टबिनों और कलशों का नाम दिया गया, जिसके साथ ही शहर में यमुना स्वच्छ मिशन के वॉलंटियर द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यमुना स्वच्छता मिशन में देश भर के राज्यों को लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के गुना शहर से अंशु रघुवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चला रही हूँ मैं, जो कि अभी तक सोनिया बिहार में मैंने 200 क्लस लगाए थे, आईपीओ घाट पे 500 क्लस लगाए थे के आसपास, ताकि जो जमुना जी में लोग सामग्री डालते हैं तो वो कलश में डाले। कलश आज लोग वहाँ पे डस्टबिन लगा दिए, लेकिन हम कलश का नाम इसलिए दिए थे कि लोग श्रद्धा से फूल नारियल और जितने भी घर की जो पूजा की सामग्री होती है सब उसमें डाल देंगे। तो ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, अगर जमुना जी नहीं बचेंगी तो आने वाला समय में हमारा जो है, आज 21वीं सदी की बात छोड़िए, जब आदि काल का इतिहास जब उठा के देखेंगे तब भी हमारे घर की महिलाएं बाहर जाती थी। अब महाराणा प्रताप की महारानी थी, वो भी तो रणभूमि में जाती थी, तलवार चलाती थी। झांसी की रानी आज अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आज देखिए इतिहास में उनका नाम है। तो पहले आदिकाल से चली आ रही है ये, हम मुगलों की परंपरा को फॉलो किए हुए हैं, जो महिलाओं को घूंघट में रख रहे हैं, महिलाओं को घर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो महिला दिवस पे हर पुरुषों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम घर की महिलाओं को उतनी छूट दें जो कि वो घूंघट प्रथा से बाहर आए और वो अपना एजुकेशन करियर अपने क्षेत्र में बेहतर बना सके। गुरु माँ कंचन गिरी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस दायित्व को देने लायक समझा और गुरु माँ जैसे भी हमको निर्देशित करेंगी यमुना मिशन के लिए सफाई के लिए, वैसे हम लोग काम करेंगे उनके कंधे से कंधा मिलाकर और लोगों को अवेयर करेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो भारत में प्रदेश में नदियों को हम माता बोलते हैं, तो नर्मदा जी हमारी जैसे यहाँ नर्मदा जी के लिए है मध्य प्रदेश में, इसी तरह से हमारे यूपी एंड दिल्ली में यमुना जी हैं। यमुना जी एक बहुत ही पवित्र अपने आप में एक नदी है, क्योंकि उनका ऐसा वहाँ पे लोगों का कहना है, पुराणों में भी वर्णित है कि यमुना जी में स्नान करने मात्र से आपके पाप मुक्त हो जाते हैं और आपके भाई वगैरह के लिए भी जैसे आप प्रार्थना करते हैं तो यम लोग वगैरह और ये सब से मुक्ति मिलती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तो जब इनको इतना देवतुल्य हमने माना है यमुना जी को, तो उनमें हम गंदगी क्यों फैलाते हैं, उनके अंदर हम गंदगी क्यों डालते हैं? वो तो आपको पाप दायिनी है, दया दृष्टि करने वाली है। तो हम नदी यहाँ पे लोगों को हम अवेयर करेंगे।